चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। बड़ी मजेदार फिल्म है, 1950 के दशक की एक फिल्म है, जिस वक्त आवारा फिल्म रिलीज हुई है उस वक्त के दौर की फिल्म है। हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके। हरियाणा के एक शहर करनाल में इस फिल्म के 10 हाउसफुल शोज हो चुके हैं, 10। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, सब स्कूल्स उस फिल्म को दिखाने लेके जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ बाकी सब लोग भी जो इस बात को सुन रहे हैं स्कूल को फिल्म को देखने लेके पहुँचे, क्योंकि वहाँ करनाल में पत्रकारों ने जिम्मेदारी ली, उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ये पढ़ी थी और उन्होंने कहा हम ये कहानी दिखा के मानेंगे। सो मेरे इस देश की पत्रकारों से, मीडिया वालों से ये अनुरोध है कि इस कहानी को आगे आगे पहुंचाएं ताकि और लोग इस फिल्म को देखने आएं। फिल्म की कहानी मैं आपको बताता हूँ, 1950 के दशक की बात है। एक गाँव है जहाँ 8 पंचायत हैं, 8 पंचायत में 7 पंचायतों के पास ये पेट्रोमैक्स ये जो पंचलेट है वो है और एक के पास नहीं है। अब एक पंचायत ये पंचलेट लेकर आता है लेकिन कोई इसको जलाना नहीं जानता है, जलाना केवल एक आदमी जानता है, गोधन, जिसका रोल मैं कर रहा हूँ। और उसको गांव से बिरादरी बाहर किया गया है, जात बाहर किया गया है, अब उसको वापस बुलाना पड़ता है। तो इस बारे में ये मीठी सी खूबसूरत सी कहानी है, प्रेम मोदी जी ने कहानी डायरेक्ट किया है, बड़ा मज़ा हम लोगों ने साथ में इस कहानी को बनाते हुए किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इस फिल्म को आप देखें, इस फिल्म को देखें कि इससे पता चलेगा कि हमारा साहित्य क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा देश कितना विशाल देश है, कितने कलर्स हैं। इंसान छोटी छोटी गलतियों को अगर दिल पर न ले और गले लगा ले तो जीवन बहुत प्रेम से कट सकता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे अपने देश में इतने साहित्य है, हर भाषा में है इतने साहित्य है कि हम अपने देश के साहित्य पर फिल्म बनाए तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। अपनी कहानियाँ कहने की कोशिश हो, अभी मैंने एक फिल्म लिखी थी हिंदी मीडियम, उसके डायलॉग्स मैंने लिखे थे, उसमें भी मैंने यही कहने की कोशिश की थी कि हम अपनी ज़मीन को समझें, अपनी बात को समझें और इतना उस देश को मज़ा आया, इसका मतलब है कि देश अपनी कहानियाँ देखना चाहता है। अभी न्यूटन एक फिल्म आई थी जो इस देश ने बहुत पसंद की, उसमें अंजलि पाटिल का एक डायलॉग है कि इस शहर में रहते हुए ज़रा से बगल गाँव में, बगल वाले गाँव में एक नया देश बसता है और बदकिस्मती है कि आप उस देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सो ये उसी देश की कहानी है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, वहीं ऐसी एक जगह पे जाके हमने शूट की है। और हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ नहीं है, बज़ नहीं है बम्बई से, बज़ नहीं है। एक छोटे शहर में इसके 10 हाउसफुल शोज हो चुके हैं और बम्बई से हमको सब लोग ये कह रहे हैं कि यार आपकी फिल्म गर्म नहीं है, फिल्म का बज़ नहीं है। सो मीडिया वाले सारे दोस्तों से और जो लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता फिल्म का बज़ कैसे बनाया जाता है, हमें ये पता था सिनेमा कैसे बना सकते हैं, कहानी कैसे कह सकते हैं। बस बनाने के लिए हमारे पास कोई बड़ी कहानी नहीं है, हमारे पास एक सिनेमा की बड़ी खूबसूरत कहानी है, आप सब जाएं और देखें, हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत उम्मीदें हैं, मैं इसको सीधा सीधा लगान से कंपेयर करूंगा क्योंकि लगान जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस इसमें रहा है। हाँ, वैसे इसमें आमिर खान नहीं है, इसमें हमारे नए आमितोष हैं और दोनों ए हैं, लेकिन अगर कोई जन्म कुंडली से चलती हो तो अभी तो देखो न्यूटन और बहुत सारी फिल्में ऐसी आ चुकी हैं जो बिना स्टार के भी अच्छे से हिट हुई है और लोगों ने पसंद की है। जो जो कंटेंट बेस्ड फिल्में आजकल आ रही हैं उसको अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, अगर वो सेंसिबल फिल्म है और डेप्थ के साथ बनाई गई है, सोच के साथ बनाई गई है, तो मुझे लगता है दर्शक हैं उसके। हमारी फिल्म बनाते नहीं हैं हम, दर्शक तो बहुत हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों को हम द ग्रेट ग्रैंड मस्ती देंगे तो फिर वो वही देखेंगे, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा दें। मुझे नहीं लगता कि पंचलेट जैसी पीरियड को एग्जैक्ट डेप्थ के साथ दिखाती हुई कोई फिल्म आप पिछले कई टाइम से बनी है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक मदर इंडिया टाइम पे के टाइम पे बनती थी कुछ, तो मुझे याद है कुछ फिल्में, लेकिन उसके बाद से अभी तक ना तो लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हैं, ये कौन सी थी, लुटेरा बनी थी एक द लास्ट लीफ पे, और गिनी चुने हाथ पे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे एक हिंदुस्तान के एक ऐसे राइटर की कहानी जो प्रेमचंद के समकक्ष है, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन हमारे मुक्ति बोध, हमारे हरिशंकर परसाई, इतने ऐसे ऐसे जो राइटर हैं वो ऐसे उनके समकक्ष हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी तीसरी कसम फिल्म आई थी 51 साल पहले जो राज कपूर ने की, बासु चटर्जी ने डायरेक्ट की, कुदरती उस वक्त भी बंगाली डायरेक्टर थे, अभी भी बंगाल के ही डायरेक्टर हैं हमारे प्रेम मोदी। तो ऐसा फणीश्वर नाथ रेणु दोनों
मतलब एक जैसे एक ही राइटर उन्हीं की कहानी पे फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी पे तीसरी कसम बनी थी राज कपूर साहब की फिल्म। बार बार ये लड़ाई सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं 18 से 25 का जो युवा है उस देश में क्या पसंद कर रहा है क्या पसंद कर रहा है। मैं 18 से 25 का जो युवा इस ये तमाम मीडियम के माध्यम से ये बात सुन रहा है, आप प्लीज़ इन लोगों को थोड़ा प्रूव करें कि आप लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आप अच्छी कहानी समझते हैं। बार बार हमें दिखाया जाता है कि ये वही समझते हैं, ये आइटम सॉन्ग होगा, ये सब होगा तो ही कहानियाँ चलती हैं, 18 से 25 को शायद यही समझ में आता है। ऐसा नहीं है, 18 से 25 न्यूटन देख रहा है, 18 से 25 नेटफ्लिक्स और इन तमाम चीज़ों पर अच्छी कहानियाँ दूसरे देशों की बनी हुई देख रहा है। हमारे लिए बड़ी लड़ाई है इस फिल्म को आप लोगों तक लेके आ पाना, हमें सही से हॉल मिल सकें। तो आपको शायद कहानी फिल्म ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी दूर लगी हो सकता है आपके बगल वाले हॉल में ना लगी हो, तमाम हॉल्स में ये कहानी ना हो, लेकिन तमाम हॉल्स में कहानी आ जाएगी अगर आप उन हॉल्स में जाके देखेंगे, इस कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आप जाके देखिए, अच्छी ना लगे तो भी बोलिए, आप बताएं कि कहानी नहीं अच्छी लगे, लेकिन इग्नोरेंस अगर ऐसी कहानियों का हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए अगली कहानी के लिए हौसला जुटा पाना। चूंकि हम बनाते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, अगली कहानी फिर इसी तरह की बनाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि ये फिल्म जल्दी से देखें, इंतज़ार ना करें। आजकल सारी दुनिया का वोट बड़ा महंगा है, लोग कह रहे हैं आपके पास वोट नहीं है बुक माई शो पे, इसलिए आपको अच्छे शोज़ नहीं मिल सकते हैं, जबकि करनाल शहर में 10 शोज़ हमारे पास हाउसफुल हैं, लेकिन बार बार हमसे कहा जा रहा है कि बुक माई शो पे आपके वोट्स नहीं है। सो हमें पता नहीं है बज़ कैसे बनाया जाता है, सो बेस्ट बज़ तो हम नहीं बना पा रहे हैं, पेज तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारे पास उस तरह का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी फिल्म है, खूबसूरत कहानी है, और हमसे लोग मुंबई में बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि आप एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं। यस, हम एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं पंचलेट के साथ, आप ज़रूर ज़रूर देखने जाएं। शुक्रिया। मैं तो ये जानता हूँ कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, तो हमारी तो प्यारी सी सुई है और धीरे धीरे हम सीते जा रहे हैं, और ये ऐसी सुई है पुरानी, मैं जानता हूँ आजकल की जो यंग जनरेशन, हमने कर दिया है ऐसा, क्योंकि ऐसा परोस रहे हैं तो वैसी हो चुकी है। लेकिन आइटम सॉन्ग नहीं है इसमें, अगर आप आइटम सॉन्ग चाहते हैं तो इसमें नहीं है, डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है इसमें, वल्गैरिटी नहीं है इसमें, लिफाफेबंद डायलॉग नहीं है इसमें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आजकल चलन में है। और हमारे पास इस साल का बेस्ट मार्केटिंग प्लान नहीं है, और इस देश में हमारी फिल्म का कोई बज़ नहीं है, और फणीश्वरनाथ रेणु को जानने वाला इस देश में कोई नहीं है, और दुनिया में पढ़ने वाले कोई नहीं है, ऐसा बम्बई हमें कहना चाहता है, लेकिन ये सब राज कपूर की फिल्म का एक गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। लेकिन इसका गुस्सा सही है, इसका गुस्सा सही है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉम्बे भी इस बात को समझेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब लोकेशन रेकी के लिए गए थे तो जिस गाँव में रेकी कर रहे थे तो वहाँ पे गाँव के छोटे छोटे बच्चे आए, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करने आए, तो हमने कहा कि फिल्म की शूटिंग करेंगे, उसके लिए लोकेशन देखने आए, तो गांव के 2-3 लोगों ने कहा कि किस कहानी पे आप कर रहे हैं। जब हम किस कहानी पे हमने पूछा, हमने कहा रेणु जी की कहानी, और हमें लगा उस गांव में किसी को पता नहीं होगा, उसने कहा ये कौन सी कहानी है, परती परी कथा है, मैला आंचल है, पहलवान की ढोलक है, या कौन सी कहानी है, हमने कहा पंचलेट है, उसने कहा पंचलेट में आप क्या कर रहे हैं, मैंने बोला मैं गोधन कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने कहा आप गोधन लग रहे हैं। ये पाठक है इस देश का जो 50 साल पुरानी कहानी को अपने दिल के साथ लगा के बैठा है, और वो लोग जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहानी आ रही है, इस देश में हमारा बज़ बिल्कुल नहीं है, हम इस ये युवा देखें और बताएं कि रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पाएं तो हम चाहेंगे कि वो पढ़ें, ताकि अगले साल हम जब दोबारा कोई कहानी बनाएं तो वो रिलेट कर पाएं। हमें नहीं पता क्या युवा जानता है, और देश का युवा कभी एक नहीं होता है, बम्बई का 18 से 25 साल का जो लड़का है, और करनाल का जो लड़का है, और जो बिहार का लड़का है, और जो केरला का लड़का है, वो एक नहीं है, सब अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। 18 से 25 साल का जो इंसान है उसके घर में उसके पिता हैं, उसके घर में उसके दादाजी हैं, उसके घर में एक छोटा बच्चा है, सो सब कुछ खत्म नहीं हो गया उसकी आंख से। 18 से 25 साल का जो इंसान है वो अपने रूम में अकेला नहीं बैठा है कि उसको पता ही कुछ नहीं है, सबको ये कहानियां मालूम है। कि सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं इंडिया में, जिनको लगता है कि बच्चों को हम ताजमहल दिखाने ले जाते हैं, स्टडी टूर ले जाते हैं, तो मुझे लगता है एक कहानी समझाने के लिए माँ बाप को, टीचर्स को, बच्चों को ना, ये और जा रहे हैं पटना में लोग जा रहे हैं करना चाहिए, क्योंकि पता चले कि हमारा साहित्य क्या है, और वो भी विजुअली इंटरेस्टिंगली आप दिखा सकते हैं बच्चों को, जरूर दिखाना। हरियाणा के करनाल शहर से मैं हूँ, करनाल शहर में टैगोर स्कूल है, कल्पना चावला नासा साइंटिस्ट जहाँ से निकली है, टैगोर स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे फोन पर कल कहा कि जब तक मेरे स्कूल का एक एक बच्चा ये फिल्म देख नहीं लेगा तब तक मैं करनाल से उतरने नहीं दूंगा, और रात तक मैं ये लड़ाई लड़ रहा था कि करनाल शहर में ये फिल्म लगेगी कैसे यार, वो मुझे फिल्म देने राजी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म वहाँ लगेगी नहीं, चलेगी नहीं, और जबकि वहाँ के स्कूल जाना राजी हैं, 10 बजे
वहाँ का हॉल खुला है और वहाँ पे लोग पहुँचे हैं टिकट लेने, तो वो कह रहे हैं हमारा सिस्टम दिखा नहीं रहा है, और उनसे तमाम और फिल्मों के बारे में पूछा गया तो उनका सिस्टम दिखा रहा है। तो ये सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, जो इस तरह की छोटी फिल्म को दिखाता नहीं है, और जब मर जाती है इस तरह की फिल्म तो लोग कहते हैं इसका बज नहीं बना है, इसको लोग देखने नहीं आए हैं। मैं कह रहा हूँ आप पहुँचाइए, दिखाइए, और अगर आपको खराब लगती है आप हमें लिखिए कि खराब फिल्म हमने देखी, चलेगा हमको। आप कहानी पढ़ के जाइए, आप पंचलेट गूगल करिए, यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलिया के लोग बैठ के हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पंचलेट कहानी, और बधाई दे रहे हैं 17 नवंबर को इंडिया में ये फिल्म रिलीज हो रही है। आप वो कहानी पूरी सुनिए, और अगर आपको बस कहानी अच्छी लगे तो फिल्म देखने आइए। लेकिन जो लोग इस सिस्टम में उस सिनेमा को दिखाई नहीं रहे हैं, जहाँ टिकट नहीं मिल रही है, वो लोग मुझे वीडियोज भेज रहे हैं, शहर सब लोगों से वीडियोज आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपके फिल्म की टिकट अवेलेबल नहीं है, ये सिनेमा की खिड़की वाला कह रहा है कि इसको मालूम नहीं है, इस सिस्टम में आया नहीं है। करनाल शहर में पोस्टर मैंने खुद लगाया, जाके पोस्टर दिखाया, शहर को कहा, पत्रकारों से पूछा कि आप लोगों ने पढ़ा है फणीश्वरनाथ रेणु, उन्होंने कहा हमने पढ़ा है, 3 दिन में हम ये फिल्म यहाँ पे हिट करा देंगे सर। 3 दिन के अंदर उन लोगों ने अगले 10 दिन के हाउसफुल शोज की ज़रूरत पूरी कर दी है, और फिल्म की टिकट कहाँ बिक रही है मुझे बताते हुए बड़ी खुश हो रही है। फिल्म की टिकट विक्की नाम का एक आदमी अपनी चाय की दुकान पर बेच रहा है, चाय की दुकान पे उसने एडवांस इकट्ठा किया है, एडवांस लेके वो सिनेमा हॉल में पहुंचा है, और उसने शिकायत की है कि सर इनका सिस्टम दिखा नहीं रहा है। तो जिस बज की मीडिया बात कर रहा है, एक्टर होने के नाते डायरेक्टर और बाकी लोग जो फिल्म में साथ हैं, वो अब PVR पे जाके और सिनेमा पे जाके उल्टे नहीं लटक सकते हैं बज बनाने के लिए। बज बनाना जब आपके देश के इतने बड़े राइटर्स की कहानी है तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और यूथ जिसके नाम पे पर्ची फाड़ी जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि ये कोई अच्छा सिनेमा देखना नहीं चाहता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो निकल के आएँ और अच्छी सिनेमा देखें, और उसके बाद ना अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं, हम भी अगली कोशिश करेंगे कि कुछ और लेके आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल, आप सबका स्वागत है हमारी इस फिल्म पंचलेट के प्रीमियर में। आप सबों को पता होगा ये पंचलेट जो है ये श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक रचना पर आधारित हमारी फिल्म है, और एक बड़ी साफ सुथरी और एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है, और हम आशा करते हैं पब्लिक को पसंद आएगी हमारी ये फिल्म। और अब बाकी पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है कि ये फिल्म दूसरी लगान है, और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि वाकई ये दूसरी लगान हो सकती है, क्योंकि वही गांव का परिवेश, वही गांव के लोग, वही गांव के लोगों की सादगी, और लगान में जो है वो शायद एक क्रिकेट मैच को लेके वो फिल्म थी, और हमारे यहाँ पे एक गैस लालटेन को लेके ये फिल्म है तो वही गांव की फिल्म ही, तो बिल्कुल लगान जैसी हो सकती है, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि फिल्म के अंदर में वहाँ भी गांव की प्रेस्टीज को बचाया जा रहा था कि भाई एक मैच है और इसमें लगान नहीं देना है, और यहाँ पे भी गांव की प्रेस्टीज के लिए जो है इस पेट्रोमैक्स के लिए जो है इन्होंने जो एक प्रेस्टीज इशू बना के इन्होंने जो अरेंज किया है कि भाई गाँव के एक टोला है और इसमें हम लोगों के पास एक पेट्रोमैक्स होना चाहिए, और वो अचीव करने पे पिक्चर में जो कहानी चल रही है वो कहानी बड़ी मज़ेदार है। कि हमने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जो मेरे ख्याल से आज के टाइम में शायद किसी ने हिम्मत नहीं की होगी। हमें जब स्क्रिप्ट सुनी, हमें स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी और हमने हिम्मत दिखाई कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी को हम पब्लिक के सामने ला के देखें और भारत की संस्कृति को दिखाऊंगे। मैं अपनी तरफ यही कह सकता हूँ कि हमारी प्योर इंडियन मूवी है, तो बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नहीं, पूरी इंडियन मूवी है। मेरे से देखें अच्छी बात है। बहुत नर्वस थी, एक्साइटेड थी, और